जो कि मुझे पहले से पता था, किंतु आज मैंने अपने आंखों से देखा जो ये जो महेंद्रगढ़ के जिला है और विशेष करके ये हमारे जो डोमरा जाहिर गांव जो है इटली और हमारे अभय सिंह जी का जो विधानसभा है, सीताराम जी का और विधानसभा है इटली नांगल चौधरी, मेरे साथ अभय सिंह यादव जी भी है, दोनों विधानसभा और इस जिले के बारे में मैंने सुना जो मैं कह रहा हूं। जी, यहाँ के किसान मेहनती है, यहाँ के किसान के बेटा जाके बॉर्डर में खड़ा होता है देश को सुरक्षा देने के लिए, देश से लड़ देश को बचाने के लिए, और ये जो किसानों का बेटा देश के सुरक्षा के लिए धूप में बारिश में खड़ा होते हैं, इसका प्रमाण आज आप लोगों ने दिया जो सुबह 10 बजे तक, 10 बजे से लेके अभी 3:30 बजे तक धूप में बैठे रहना मेरे से नहीं हो सकता मेरे मित्रों, ये तो आपके द्वारा ही हो सकता है, इसी गांव का ही हो सकता है, इस भूमि का जो दक्षिणी हरियाणा के लोग ही कर सकता है। आज मैं कहता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा नहीं देखा जो 10 बजे आता है और 4 बजे तक बिना खाए और भूखा रह के धूप में बैठा रहता है। मुझे तो लगता है ये साइक्लोन भी हो जाए तब भी ये बैठे रहेगा, क्योंकि उनको मोदी चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ मंच पे हमारे यशस्वी अध्यक्ष अभी नायब सिंह जी बने हैं और सांसद रहे, अभी भी सांसद है, मेरे साथी है, और इनका परिचय मुझे देने का जरूरत नहीं है। छोटे से कार्यकर्ता से आपके प्रदेश का अध्यक्ष बना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ये छोटे कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, ये कांग्रेस में नहीं होता, दूसरे किसी पार्टी में नहीं होता। मेरे आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है ये भी छोटे से परिवार से है और मुख्यमंत्री तक बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। और मेरे दाहिने हाथ में जिसका ऊपर मैंने हाथ रखा अभय सिंह यादव जी, जिस तरीके से साधारण परिवार से आके आपका विधायक के नाते सेवा कर रहे हैं, और हमारे सीताराम जी राम और सीता दोनों उनके ऊपर बैठे हुए हैं और इनका भी सेवा इटली में चल रहा है, और ऐसा मेरे अध्यक्ष नायब सिंह सनी जी और मंच में बैठे हमारे सबके प्रियजन सबके बड़े हैं, जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विश्व पिता महा बोला जाता है, महेंद्रगढ़ का सबसे बड़े नेता माना जाता है, पूरे प्रदेश के बड़े नेता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक संगठन को बढ़ाने वाला व्यक्ति हमारे राम विलास शर्मा जी बैठे हुए हैं आपके बीच में, और हमारे साथ हमारे ओम प्रकाश जी मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर हमारे अजय बंसल जी जिला प्रभारी जी, श्री संतोष यादव जी, श्री मनीष मित्तल जी, श्री गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर राकेश कुमारी जी, हमारे श्री सत्यव्रत शास्त्री जी, अमित मिश्रा जी, श्री विद्यानंद लंबा जी, और हमारे जिसका नाम मेरा छूट रहा है क्योंकि मेरे साथ सभी समय चलता रहता है, मेरा जहां भी कार्यक्रम हो तो वो महामंत्री मेरे साथ सभी समय रहता है, वो और कोई नहीं है, राय के विधायक है हमारे मोहनलाल बड़ौली जी है। मेरे मित्रों, आज इस महान जनसभा को देख के मुझे मालूम चलता है
जो यहाँ के लोगों में कितना मोदी जी के प्रति विश्वास है मेरे मित्रों, मेरे मित्रों याद है मुझे रिवारी से ही माननीय प्रधानमंत्री 2014 में वन रैंक वन पेंशन का घोषणा किया था और आज वही भूमि है जो कि एक किसानों का प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण। मैं जब कार से आ रहा था रास्ते के दोनों तरफ हरियाली हरियाली, खेती खेती, पानी पानी, और ये और किसने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के खट्टर की सरकार और हमारे विधायक द्वय ने किया है, ये कांग्रेस ने नहीं किया है, जो रीजनल पार्टी यहाँ राज कर रहे थे लंबे समय तक इन लोगों ने नहीं किया है। मेरे मित्रों भारतीय जनता पार्टी जो कहता है, नरेंद्र भाई जो कहता है वही करता है, हमारे विधायक भी जो कहता है वही नांगल गांधी में होता है और सीताराम जी जो अटेली में कहता है वही करता है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों आज पूरे देश भर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ का आबादी का देश एक साथ खड़ा हुआ है। अभी अभी 5 राज्य में निर्वाचन हुआ है, आपने देखा बहुत लोगों ने कोशिश किया मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, किंतु जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को तीन तीन राज्य में, मिजोरम में डबल सीट दिया और तेलंगाना में भी एक से हमारा 9 सीट तक पहुंचाया। मेरे मित्रों इस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भारत की जनता है। मेरे मित्रों ये आपके बच्चे का भविष्य बनाने वाला प्रधानमंत्री है, देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है, महिला के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री है। आज मैं गर्व करता हूँ, आज मैं देखता हूँ ऊपर से ड्रोन से यह फूल बरसात हो रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं है, मैंने सोचा नहीं मैं अपने जीवन में देखूंगा गांव में किसानों को खेती में औषधि देने के लिए और फर्टिलाइजर छीड़ने के लिए 15,000 महिला को ड्रोन दीदी के नाते पूरे देश भर महिला ड्रोन चलाएंगे। वो काम नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों मैं इस भूमि में जब भी आता हूं आप लोगों से पॉजिटिविटी लेके जाता हूं, सूरज के जैसा आपके अंदर रोशनी है। मेरे मित्रों आप देखो मेरे बाएं तरफ जो हमारे बुजुर्ग जन भाई जन किसानों जो बैठे हुए हिल नहीं रहे, सूरज भी बार बार इनको ऊपर भी पूरी तरह से सूरज देख रहा है और इनमें भी इतना ताकत है, उतने ताकत के साथ सूरज देव को भी देख रहे हैं और सूरज देव को चैलेंज करने वाले किसान कहीं है तो मेरे इस भूमि में है। मेरे मित्रों आज प्रमाण किया आप लोगों ने जो हरियाणा का किसान पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किसान है, हरियाणा का किसान का बेटा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फौजी का बेटा बनता है। मेरे मित्रों इसलिए मैं आप लोगों से आवेदन करूंगा, अभी 2024 में लोकसभा निर्वाचन है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं 2024 के लोकसभा निर्वाचन में आपको प्रधानमंत्री किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए, सुना नहीं है मैंने, मोदी जी को दिल्ली से सुनना चाहिए, कौन चाहिए, कौन चाहिए, कौन चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास हो गया आज इस भूमि से किसानों ने जिस तरीके से मोदी ही चाहिए बोला, पूरे देश भर में जितने भी लोकसभा सीट है आज इस भूमि का आवाज सुन लिया है, किसानों का आवाज सुन लिया है और बाकी कांग्रेसी और बाकी लोग सुन लो इस किसानों का आवाज, किसान तो मोदी के साथ है और 2024 में भी 2019 से ज्यादा सीट देके पूरे देश भर में से नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और मनोहर लाल खट्टर जी को भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान आज इस भूमि से हो गया है।
बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में आप लोग आए हो। जितना अंदर है उतना बाहर है, उतना रास्ते में है। आज तो जन समंदर हो गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, अभय सिंह जी को बधाई देता हूँ, सीताराम जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, हमारे धर्मवीर जी को बधाई देता हूँ, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सबको बधाई देता हूँ। एक बार मेरे साथ हाथ मुट्ठी बंधकर को ऊपर उठा के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, जेपी नड्डा की जय, अमित भाई शाही की जय, हरियाणा का किसान की जय, मनोहर लाल खट्टर की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।